हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में, जहां पर ममता सरकार अभी फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता सरकार को बनाया था और जिन्होंने पश्चिम बंगाल से वाम दलों को ध्वस्त किया था, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिसके बाद में टीएमसी पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और अभी टीएमसी पार्टी इस झटके से उबर नहीं पाएगी। ये यहां पर पश्चिम बंगाल में राजनीति को लेकर खबरें निकल के सामने आई है, क्योंकि टीएमसी पार्टी को ये जो झटका लगा है वह शुभेंदु अधिकारी का लगा और इन्हीं के बलबूते पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की सरकार बनी थी। तो अभी हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार नहीं बना पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भंगवा फहराया जाएगा, यानी भंगवा पताका लहराएगा। तो अभी हम आप सभी को पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से हुई बड़ी चूक के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी क्यों बड़े नेता माने जाते और किस प्रकार शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे घंटी के निशान को दबाइए, ताकि आपको आगे भी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में किस प्रकार से अभी एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वाम दल और टीएमसी पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का भंगवा फहराया जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में पताका लहराता हुआ नजर आएगा। तो चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण कर लिया और शुभेंदु अधिकारी ने हाल में तृणमूल कांग्रेस से यानी टीएमसी पार्टी से इस्तीफा दिया था और शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ कई टीएमसी विधायक भी शामिल हुए और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी की लहर देकर आ चुके हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के सामने तृणमूल कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका देकर आ चुके हैं शुभेंदु अधिकारी को, कि शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद में टीएमसी पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। लेकिन आखिर यह शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्यों किया और किस प्रकार से टीएमसी पार्टी से दूरियां बढ़ने के बाद में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पार्टी से इस्तीफा दे कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी, जो कि एक बहुत ही बड़ा पश्चिम बंगाल की राजनीति में नेता माना जाता है और बहुत ही बड़ा दिग्गज नेता माना जाता है, और शुभेंदु अधिकारी की लगभग 65 विधानसभा सीटें हैं जहां पर पूरी तरह से प्रभाव है, और 65 विधानसभा सीटें पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के जहां पर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, और शुभेंदु अधिकारी उन सीटों पर पूरी तरह से जनता के साथ खड़े रहते हैं और वहां पर जनता भी शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पार्टी में थे तो वह 65 विधानसभा सीटें टीएमसी पार्टी के खाते में जाती थी, लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में टीएमसी पार्टी को इन सीटों का नुकसान हो चुका और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उन्हें 65 विधानसभा सीटों पर जीत मिलना तय हो चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदू फैक्टर के चलते पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है, जो कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों, अभी आप को ये बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को क्यों छोड़ा। तो टीएमसी पार्टी को छोड़ने का प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि पूरी तरह से टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को साइडलाइन कर दिया था, यानी दरकिनार कर दिया था, और बताया यह जा रहा है कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने जो है शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में टीएमसी पार्टी के जो अध्यक्ष पद है उससे हटा दिया था और अपने भतीजे जो है यहां पर बनर्जी को लगा दिया था, यानी कि अध्यक्ष पद पर बना दिया
गया था और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से साइडलाइन हो चुके थे। और इसके बाद में अभिषेक बनर्जी को जैसे अध्यक्ष पद पर रखा गया उसके बाद में जो है पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी साइडलाइन हो चुके थे और ऐसे में दूरिया पूरी तरह से टीएमसी पार्टी से शुभेंदु अधिकारी की बढ़ती गई और ऐसी दूरिया बढ़ी कि फिर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पार्टी की ओर मुड़कर नहीं देखा और भारतीय जनता पार्टी का दामन ग्रहण कर लिया। और यही कारण बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वहीं आपको बताते हैं अब कि शुभेंदु अधिकारी किस प्रकार से ममता सरकार के लिए और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने वाले। तो आप सभी को ये बता रहे तो शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता अधिकारी 1982 में कांति दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे। बाद में वे तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बने। शुभेंदु अधिकारी 2009 से कांति सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वही आप सभी को यह बता दें तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी पार्टी के रूप से सांसद बने हुए। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के भाई भी टीएमसी की ओर से सांसद। ऐसे में कुल मिलाकर जो है शुभेंदु अधिकारी का परिवार पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय है और यही टीएमसी पार्टी को बहुत ही बड़ी चुनौती देगा और टीएमसी पार्टी को नुकसान देगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से साइडलाइन किया गया था टीएमसी पार्टी की ओर से परिवारवाद के चलते, वही अब यहां पर पूरी तरह से टीएमसी पार्टी का ध्वस्त करने का यहां पर जो है फैसला बन जाएगा। टीएमसी पार्टी का पूरी तरह से यही फैसला बहुत ही बड़ा झटका वाला बन जाएगा। वही शुभेंदु अधिकारी ने कांति दक्षिण सीट पहली बार 2006 में जीती थी और 3 साल बाद वे तुमलोग सीट से सांसद चुने गए, लेकिन इस बीच उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ती गई। वहीं 2007 में शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन खड़ा किया और शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले यह आंदोलन खड़ा किया था, जिसके बाद में पुलिस और सीपीआई के कैडेट के साथ खूनी संघर्ष हुआ और यहाँ से शुभेंदु अधिकारी को एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में जाना जाने गया और पूरी तरह से जनता यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़ी रही और इसी के चलते शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वही नेता है जिसने सीपीआई यानी कि वाम दलों को पश्चिम बंगाल की राजनीति में उखाड़ फेंका था और अब ममता बनर्जी की सरकार को बनाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी की जो सरकार यानी टीएमसी पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी राज स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से यह पश्चिम बंगाल की राजनीति के घमासान को लेकर पूरी जानकारी है और शुभेंदु अधिकारी जो फैक्टर माना जा रहा है पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के रण में, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो दोस्तों यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।